जी हाँ, आई दोस्तों बात करते हैं आज 30 मार्च 2020 दिन सोमवार के सभी यहाँ पर ताजा एवं बड़ी खबरें आपके लिए निकल कर आ चुकी है। आपको बता दें कि आज की हमारी बड़ी खबर में हमारी केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया गया है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था है उसको लेकर हमारी केंद्र सरकार ने कुछ यहाँ पर बड़ी खबरों को बताई है। आपको बता दें कि हमारे लॉकडाउन को लेकर आपके जितने भी यहाँ पर ट्रेन में खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था है ना उसको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, इस तरह का कुछ हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे यहाँ पर लॉकडाउन को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने आपके जितने भी यहाँ पर बिजली बिल है ना वो सारे के सारे यहाँ पर 3 महीने के लिए आपका बिजली बिल पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री कर दिए हैं। और दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से जो हमारे 10 सरकारी बैंकों का यहाँ पर विलय होने वाला था उसको लेकर भी हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश के नागरिकों के लिए कुछ यहाँ पर बड़ी खबरों को जारी किया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश के नागरिकों से फिर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की है। आपको बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश के नागरिकों के लिए कुछ यहाँ पर पैसे डोनेट करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने आदेश दे दिए हैं। अगर दोस्तों आपके पास जितना यहाँ पर जुड़ता है ना, जैसे कि यहाँ पर 5 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, 15 रुपया हो गए, 20 रुपये, आपसे जितना यहाँ पर जुड़ता है आप केंद्र सरकार को डोनेट कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हमारी केंद्र सरकार ने जितना भी यहाँ पर बैंक का सारा डिटेल्स होता है ना उस सारे के सारे आपको यहाँ पर डोनेट करने के लिए प्रोवाइड करा दिया है। तो आइए आज 30 मार्च 2020 दिन सोमवार के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पे नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी ननी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रोजाना ताजा ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वही दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों देख सकते हैं कि खाने पीने के सामान की नई होगी दिक्कत, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए रेलवे ने शुरू की पार्सल वैन सेवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी रेलवे ने यहाँ पर खाने पीने की जितने भी आपकी चीज होती है ना उसके लिए यहाँ पर पार्सल वैन यहाँ पर जारी किया है, जिसकी मदद से दोस्तों अब यहाँ पर आपको रेलवे में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, हमारे इस बीमारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने पार्सल वैन सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। और दोस्तों इन पार्सल वैन के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी, यह जानकारी रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे आज संडे यानी कि दोस्तों रविवार को एक अधिकारी ने यहाँ पर बयान में जारी कर दिया गया है कि आपके रेलवे में जितने भी यहाँ पर खाने पीने की चीज होती है ना उसके लिए यहाँ पर एक नई पार्सल वैन चलाई जाएगी, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर रेलवे में कोई भी यहाँ पर खाने पीने की चीज की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी केंद्र सरकार की तरफ से बहुत यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि अगर आप यहाँ पर रेलवे में सफर करते हैं ना तो लॉकडाउन के दौरान जितने भी आपके यहाँ पर खाने पीने की चीज है उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे रेलवे ने पार्सल वैन द्वारा आपको खाने पीने की चीज यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। और दोस्तों वही यहाँ पर जो हमारी अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पेट्रोल डीजल और यहाँ पर एलपीजी की कोई कमी नहीं, लॉकडाउन के दौरान पैनिंग बाई की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने आपके जितने भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल और आपके यहाँ पर एलपीजी का सिलेंडर है ना उसमें यहाँ पर जो आपका पैनिंग बाइक होता है उसमें यहाँ पर आपकी कोई कमी नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के साथ एलपीजी रसोई गैस की यहाँ पर पैनिंग बाई की खबरों के बीच यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि दोस्तों IOCL के चेयरमैन संजीव सिंह का बड़ा बयान आया है। और दोस्तों यहाँ पर IOC चेयरमैन ने कहा कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल और यहाँ पर एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि एलपीजी का स्टॉक लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बना रहेगा। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे लॉकडाउन के दौरान आपके जितने भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल और आपके यहाँ पर ईंधन यानी कि दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर है ना उनके लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर IOCL के चेयरमैन संजीव सिंह का बड़ा बयान आ चुका है कि हमारे भारत में कितना भी यहाँ पर लॉकडाउन हो जाएगा लेकिन दोस्तों आपके भारत में पेट्रोल डीजल और आपके जो भी यहाँ पर ईंधन होते हैं यानी कि दोस्तों आपके रसोई गैस सिलेंडर उसकी कमी यहाँ पर कभी भी नहीं होगी। और दोस्तों इसकी जो अधिसूचना है हमारे यहाँ पर IOCL के अधिकारी यानी कि चेयरमैन संजीव सिंह का बड़ा बयान आ चुका है। और दोस्तों वही यहाँ पर जो हमारी अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से 10 सरकारी बैंकों के विलय को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे 1 अप्रैल 2020 से जो हमारे 10 सरकारी बैंकों का यहाँ पर विलय होना था उसको हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है यहाँ पर विलय करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं PNB की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी। और दोस्तों वही यहाँ पर सिंडिकेट बैंक की शाखाएं केनरा बैंक की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी। और वही यहाँ पर जो आपका आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक की शाखाएं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी आपके यहाँ पर छोटे मोटे बैंक है ना, जैसे कि यहाँ पर ओरिएंटल बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, ये सारे बैंक हमारे सभी यहाँ पर सरकारी बैंकों के यहाँ पर शाखाओं की तरह काम करेंगी। दोस्तों वही यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी केंद्र सरकार की तरफ से और यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी दोस्तों RBI ने शनिवार को 1 अप्रैल से यहाँ पर 10 सरकारी बैंकों को यहाँ पर विलय करने की मंजूरी दे दी है। और दोस्तों इसके तहत यहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। और दोस्तों वही यहाँ पर सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया जाएगा। और दोस्तों वही यहाँ पर आंध्रा बैंक और यहाँ पर कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया जाएगा। और दोस्तों वही यहाँ पर इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया जाएगा। यानी दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पर छोटे मोटे बैंक है ना, जैसे कि यहाँ पर काशी गोमती बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया,
और आपका इलाहाबाद बैंक हो गया, इनका सभी यहाँ पर विलय हमारे बड़े बड़े सरकारी बैंकों में किया जाएगा। यानी जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपके ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, हमारे ऐसे जो भी यहाँ पर बैंक है ना, उनकी सभी यहाँ पर छोटे मोटे शाखाओं में आपका ये बैंकों का यहाँ पर विलय करने जा रहे हैं हमारी केंद्र सरकार। अगर आपका भी यहाँ पर खाता है, जैसे कि यहाँ पर छोटे मोटे बैंक में, जैसे कि यहाँ पर काशी गोमती बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे इन 10 सरकारी बैंकों का विलय करके हमारे भारत में केवल यहाँ पर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। तो ये हमारी केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही, गुड न्यूज निकल कर आ रही कि अब से यहाँ पर आपके कभी भी यहाँ पर बैंकों में फ्रॉड नहीं होगा। और दोस्तों वही यहाँ पर जो हमारी अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन के चलते बिजली भुगतान में मिली छूट, 3 माह तक बिल का भुगतान न होने पर नहीं कटेगा कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने आपके लॉकडाउन को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि अगर आप 3 महीने तक अपना बिजली बिल यहाँ पर नहीं जमा करते हैं ना, तब भी आपका जो यहाँ पर बिजली बिल का कनेक्शन है वो यहाँ पर नहीं कटेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, हमारे इस बीमारी के बढ़ते खौफ के बीच सरकार ने लोगों को राहत देने की तमाम यहाँ पर कोशिश कर रही है। इस बीच यहाँ पर लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए यहाँ पर बिजली मंत्रालय ने बिजली वितरण कंपनियों को भुगतान मानदंडों को यहाँ पर छूट देने को कहा है। और दोस्तों अगर आप इन दिनों यहाँ पर बिजली बिल भरने में सक्षम नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों न तो आपका कनेक्शन कटेगा और न ही आपका कोई यहाँ पर पेनाल्टी या जुर्माना लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमारे केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यहाँ पर मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है, ताकि बिजली वितरण कंपनियों को राहत मिल सके और दोस्तों जिससे ग्राहक को भी यहाँ पर परेशानी न हो। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारी केंद्र सरकार की तरफ से इस बड़ी बयान को जारी कर दिया गया है कि अगर आपका जब तक यहाँ पर भारत में लॉकडाउन रहेगा ना, तब तक दोस्तों आप बिजली बिल नहीं जमा करेंगे, तब भी यहाँ पर ना ही आपका कनेक्शन कटेगा और ना ही आपको कोई यहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए अगली जो हमारी बड़ी खबर निकल कर आ रही, जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 2 महीने तक 4 चैनलों की फीस माफ, दर्शक देख सकेंगे फ्री में ये चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने यह आदेश दे दिया है कि आपके भारत में जब तक यहाँ पर लॉकडाउन का प्रबंध रहेगा, तब तक दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पर पैसे वाले चैनल है ना, वो यहाँ पर फ्री में दे सकेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने शनिवार को बताया कि देश के 4 प्रमुख प्रसारण नेटवर्कों ने 2 महीने के लिए 4 चैनलों के लिए यहाँ पर सभी शुल्क माफ करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि एक बयान में यहाँ पर फाउंडेशन ने कहा कि सोनी द्वारा संचालित सोनी पल, स्टार इंडिया द्वारा संचालित स्टार उत्सव और यहाँ पर GTV द्वारा संचालित जी अनमोल और यहाँ पर वायाकाम 18 के कलर्स रिश्ते देश के सभी यहाँ पर दर्शकों के लिए 2 महीने तक यहाँ पर मुफ्त में उपलब्ध होंगे, और ये पेशकश सभी यहाँ पर DTH और यहाँ पर केबल नेटवर्क के लिए है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत में जब तक यहाँ पर लॉकडाउन का प्रबंध रहेगा ना, तब तक दोस्तों हमारी यहाँ पर इंडियन फाउंडेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि आपके भारत में जब तक यहाँ पर लॉकडाउन का प्रबंध रहेगा, तब तक दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पर पैसे वाले चैनल्स हैं, वो सभी यहाँ पर DD फ्री डिश के आप केबल ऑपरेटर पर देख सकेंगे, वो भी यहाँ पर बिना पैसे दिए। अब दोस्तों हमारी जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि PM केयर्स फंड में आप भी कर सकते हैं दान, ये है तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सभी यहाँ पर भारतीय नागरिकों से यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि हमारे सभी यहाँ पर भारत के लोग यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी यहाँ पर भारत के लोगों से एक ही यहाँ पर आग्रह किए हैं कि उनसे जितना हो सके, यानी कि दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर जितना हो सके 5 रुपए, 10 रुपए, जितना भी हो सके 20 रुपए, 100 रुपए आप यहाँ पर केंद्र सरकार के खाते में डोनेट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, हमारी केंद्र सरकार की तरफ से क्या यहाँ पर बताया गया है कि देश में यहाँ पर बीमारी को देखते हुए किसी भी यहाँ पर आपात या संकट की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड यहाँ पर रिफिल इमरजेंसी सिचुएशन फंड के नाम से पब्लिक चैरिटेबल फंड की स्थापना की है। और दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ही आग्रह कि आपसे जितना हो सके 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए आप केंद्र सरकार को यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर डोनेट करना होगा, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, PM केयर्स फंड में कैसे करें दान, तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर अकाउंट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2121PM20202, और दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर IFSC कोड भी दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर स्विफ्ट कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पर भारत के किसी भी यहाँ पर कोने में रहते हैं ना, तो आपसे जितना हो सके आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे भारत में लगभग यहाँ पर करोड़ों जनता यहाँ पर बसी हुई है। अगर दोस्तों हमारे करोड़ों जनता में से एक एक रुपया यहाँ पर डोनेट करेंगे तो हमारे केंद्र सरकार के खाते में यहाँ पर करोड़ों रुपया जमा हो जाएगी सभी यहाँ पर गरीबों के लिए। तो अगर आप यहाँ पर कुछ रुपया डोनेट करना चाहते हैं, तो हमारी केंद्र सरकार की इस जो लिंक दिया हुआ है आपके सामने, अकाउंट नंबर और आपका जो यहाँ पर IFSC कोड दिया हुआ है, इस यहाँ पर बैंक नंबर पर आप डोनेट कर सकते हैं हमारी केंद्र सरकार के खाते में। तो आपको बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने सभी यहाँ पर भारत के लोगों से यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट की है कि आपसे जितना हो सके आप 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए आप जितना हो सके आप डोनेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी केंद्र सरकार को इसकी आर्थिक जरूरत है। और दोस्तों आपको जानकारियों के अनुसार बता दें कि हमारे यहाँ पर हिंदी के बॉलीवुड स्टार यहाँ पर दिग्गज स्टार हमारे अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए का यहाँ पर डोनेट किया है हमारे यहाँ पर सरकार के खाते में। यानी दोस्तों हमारे यहाँ पर बॉलीवुड के ये पहले अभिनेता है जो कि यहाँ पर 25 करोड़ का यहाँ पर डोनेट किया है सरकारी बैंक के खाते में। तो अगर आप यहाँ पर कुछ रुपए का डोनेट करना चाहते हैं, तो सरकार के इस दिए हुए सारे यहाँ पर डिटेल के साथ आप पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज 30 मार्च 2020 दिन सोमवार के दिन से हमारी केंद्र सरकार की तरफ से यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों को जारी
जारी किया गया था जो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि यह जानकारी आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों मित्रों इस जारो की जानकारी प्राप्त हो सके और इस तमाम जानकारियों से अपडेट हो सके। अगर आपके मन में कोई भी यहाँ पर डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।